जेल जाएगा बागेश्वर बाबा का भाई। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर लगा SC/ST एक्ट। महंगा पड़ेगा दलितों से पंगा लेना। दलितों की शादी में घुसकर तमंचा लहराना और दलितों के साथ मारपीट करना बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम को महंगा पड़ने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई दलितों की बारात में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा था, हाथ में तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा था, अब उसके ऊपर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छोटे महाराज के नाम से फेमस शालिग्राम पर आरोप है कि उसने एक शादी समारोह में जाकर दलित परिवार को तमंचे की नोक पर धमकाया, जाति सूचक गालियां दी और मारपीट भी की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। घटना छतरपुर जिले के गड़ा गांव की है। 11 फरवरी को गांव में एक दलित परिवार की बेटी का विवाह समारोह आयोजित किया गया था। उसी दौरान रात करीब 12 बजे के आसपास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम विवाह समारोह में पहुंच गया और लोगों से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस दौरान सिगरेट मुंह में फंसाए और शराब के नशे में शालिग्राम ने महिलाओं से भी बदतमीजी की और देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। इसके साथ ही उसने हवाई फायर भी किया और शादी रोकने की कोशिश भी की, जिस कारण से बाराती दहशत में आ गए और खाना पीना खाकर वापस अपने गांव लौट गए। दलित परिवार की बेटी के विवाह समारोह में शालिग्राम के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद से उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। मामला क्या है वो समझा दें हम आपको। ये वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश में गड़ा गांव है छतरपुर में, वहाँ पर एक शादी समारोह था और शादी समारोह में जो दलित लड़की की एक बारात आई थी, उसकी शादी थी, बारात आई थी, बाराती यहाँ पर खाना खा रहे थे और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा है कि दरअसल नाचने को लेकर विवाद हुआ था कि दलित नाच रहे थे, वो उसमें गया और वहाँ पर उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और वीडियो में भी आप देखेंगे तो वो एक दलित को मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बाद इधर आते हैं, फिर जो है वो अपना जो कट्टा है उसको लहराते हैं, धुआं उड़ाता है सिगरेट का और फिर उसके बाद में वो दलितों के सामने फिर से वो अपनी जो कट्टा उसके हाथ में नजर आ रहा है उसको तान देता है और धमकी देता है और जाति सूचक बातें गाली गलौज कर रहा है। आप इस वीडियो में ये चीज़ देख सकते हैं, 11 फरवरी का वीडियो ये बताया जा रहा है। और दलितों की समारोह में, शादी समारोह में घुसकर इस तरह की बदतमीजी करना, इस तरह की जो गाली गलौज करने की बातें हैं वो अभी सामने आई हैं, वीडियो फिलहाल अभी सामने आया है। तो इसका ये वीडियो कहें कि लीक हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई का शालिग्राम नाम है और आप देखिए कितनी गुंडागर्दी है। धर्म कर्म का नाम करते हैं ये लोग कि हम तो धर्म का काम कर रहे हैं और भगवान से हमारा डायरेक्ट लिंक है, हम तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और दलितों पर खासकर कितनी इनकी नफरत है, कितनी घटिया सोच है कि उनके बारे में ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि शालिग्राम अपने मुंह में सिगरेट लगाए और हाथ में तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है, साथ ही एक शख्स को पकड़कर मारपीट करने की कोशिश भी कर रहा है और कह रहा है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं चलेगा, राय नहीं होगी, इस गड़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना ही बजेगा, यानी गाना बजाने को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। उस समय वहां मौजूद लोगों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया तो इस आरोपी ने लोगों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद बमीठा थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506, 427 के साथ साथ SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है।
आपको बता दें कि SC ST एक्ट की धाराओं के तहत यदि किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती, हाई कोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकती है। वहीं SC ST मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर होते हैं। इन मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स में होती है। अब देखना ये है कि गड़ा गांव वाले मामले में धीरेन्द्र शास्त्री के शालिग्राम की गिरफ्तारी कब होगी, जो बागेश्वर बाबा खुद को सबसे बड़ा संत बताता है, हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, हिंदू धर्म बनाने का खुला ऐलान करता है, उसका खुद का भाई किस तरह दलितों से दलित विरोधी मानसिकता के तहत व्यवहार करता है, तमंचा लहराता है, सिगरेट फूंकते हुए उन्हें धमकाता है, अब उसके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, तो जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होगी? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।